गलियारों में हमेशा ही सेलिब्रिटीज़ की ज़िंदगी से जुड़े पुराने किस्से, पुराने इंटरव्यूज़ वायरल होते रहते हैं। अक्सर देखा जाता है कि सेलिब्रिटीज़ इवेंट्स के दौरान, किसी रियलिटी शो के दौरान, तो वहीं अपने इंटरव्यूज़ में कई राज खोलते हुए नज़र आते हैं। हाल ही में हिंदी सिनेमा जगत की मशहूर खूबसूरत अभिनेत्री रीना रॉय ने कई राज खोले हैं। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि हाल ही में रीना रॉय ने शिरकत की टीवी टाउन की दुनिया के मोस्ट पॉपुलर सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 12 में। इस शो के दौरान रीना रॉय ने जजेस और कंटेस्टेंट्स के साथ भरपूर मस्ती की। वहीं पुराने दिनों को याद करते हुए रीना रॉय कई राज खोलती हुई भी नजर आई हैं। अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को लेकर रीना रॉय ने कई राज खोले हैं। बता दें आपको, तो वहीं शो के दौरान रीना रॉय ने जिन स्टार्स के साथ काम किया उनको लेकर भी कई किस्से शेयर करती हुई नजर आई हैं। रीना रॉय ने शो के बीच में बॉलीवुड के सुपरस्टार्स धर्मेंद्र, जितेंद्र, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा के साथ काम किया, तो वहीं उन स्टार्स की पोल खोलती हुई भी नजर आई हैं। बता दें आपको कि रीना रॉय से सेट पर कई सवाल पूछे गए। रीना रॉय से पूछा गया कि सबसे कंजूस व्यक्ति कौन हुआ करता था सेट पर। उस दौरान रीना ने नाम लिया जितेंद्र का। वहीं रीना रॉय ने ये भी कहा कि अगर उन्होंने ये देखा तो वह मुझे बहुत ही मारेंगे। शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में भी बातचीत की। रीना ने बताया कि सेट पर सबसे लेट शत्रुघ्न सिन्हा ही आया करते थे। इस बात से सभी वाकिफ हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय अपने अफेयर के चलते काफ़ी सुर्खियों में रहे हैं। वहीं रीना रॉय ने धर्मेंद्र के बारे में भी बातचीत की। रीना ने धर्मेंद्र के बारे में बात करते हुए कहा कि धर्म जी के साथ मैं जब भी शूटिंग किया करती थी तो मुझे ताल मिलाने के लिए उनके कंधे पकड़ने पड़ते थे। राजेश खन्ना जी के लिए लोगों के सामने से चिल्लाना पड़ता था और इसके बाद भी वह डांस कर लेते थे, लेकिन धर्म जी और शत्रुघ्न सिन्हा के साथ थोड़ी मुश्किलें हुआ करती थी। इस तरह से रीना रॉय ने धर्मेंद्र के साथ शूटिंग के पलों को याद करते हुए ये तमाम बातें शेयर की। हमारे इस रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।